काफी सारा गुजर गया पर थोड़े जो रोज रह गए ने तानू पता है ते खुशी भी हो रही है लेकिन ना खुशी तो हो रही है महरम दान के महीने की लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गया है पता नहीं लगता है महीना तन पता ऐसा है कि ये पता नहीं लगता कि गुजर जाता है गावे बस दुआ करो कि केड़ी ईद आनी या खैर सलामती भी आवे और हर इंसान की मुश्किल हल होवन और केड़े सारे लीवर मुल्कों बाहर बैठे है उन्होंने अगर वापस आना है तो भी खैर सलामती अपने ईद आके अपने बीवी बच्चों की करन भैन भाइयों की करन रिश्तेदारों की करन कि दोस्त एक दूसरे से खास एक गल कि दोस्त एक दूसरे तो नाराज ने वो ईद वाले दिन एक दूसरे को मना लैन कोई दोस्त अगर किसी तो नाराज तो मना लेंगे अगर कोई भैन किसी तो नाराज है या भाई कोई किसी तो नाराज है तो वो मना लवन और शैन देखो कि क्या सी लैन सौदा यह सौदा नहीं दी आती है तो मैं याद आ गया दी आंटी तू सा भी बार पुछते हैं कि सना का की हाल है कि माशाला सना ठीक आ अल्लाह पाक का करम है बिल्कुल ठीक है तेन पता है कि थोड़ी उनकी तबीयत ऐसी है तो नाले ना हूँ वीडियो ता ही बना पाते शुगर के ना इतराज करता से ता करके मैं वीडियो बनानी छड़ दी है वैसे माशाला ठीक आ ताड़िया दुआवों के नाल एक बार तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्होंने खाया भी सलामती बेटा देवे फिर वो भी मैं ताड़े नाल शेयर करांगी हर गल तुम पता ताड़े नाल शेयर करनी है तो अब तुम देखते जे कि अम्मी नहीं नज़र आती पी अम्मी ना फोतगी साड़ी हो गई लाहौर तो अम्मी उठे गई हुई है कल की तो करके अम्मी ताया मेरा लगता है इससे तो वो फोत होया तो अम्मी लाहौर गई हुई है और फोत होया ना ता करके तो अम्मी आ जाएगी एक दो दिन से तुम देखो कि ना अब्दुल हादी के फिर घर है अपनी मामा को जी आती है अब्दुल हादी की जुटती छोटी जी देखो माशाल्लाह किन्नी प्यारी है हये काफ़ी शॉपिंग करने वाली रही हये बच्चों के जुत्तियां लियानिया वा आपकी भी मैं लियानियाँ ये काफ़ी शॉपिंग करने वाली है लेकिन अब्दुल हादी की जुत्ती लियादी है ठीक है मैं क्यों ना अब्दुल हादी तो कदों आंदा है तो सारे व्यूवर को पता है काफ़ी व्यूवर पूछते हैं अब्दुल हादी को ना जी अब्दुल हादी मेरा पनेवा वा मेरी छोटी सिस्टर है उनका बेटा है तो सारियां नु लाडा लगता है सारियां नु बड़ा प्यारा लगता है और जी ए लियादी है जी अब्दुल हादी दी ओ ली ते ए दी अब्दुल हादी दी मम्मा दी है जुत्ती ठीक है देखो माशाल्लाह किन्नी प्यारी है कदों ने पानी है फिर तो होर ही सोहनी लगनी है क्योंकि उनका रंग काफ़ी माशाल्लाह वाइट आ सोहनी लगेगा मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है बहुत पसंद आई है वैसे भी पक्की बनी हुई है कि छेती टुटती नहीं पा पानी भी पाई रखो तो उनकी बीमारी देखो कि कितनी प्यारी लग रही है और अब्दुल हादी के कपड़े ने कड़े क्योंकि अब्दुल हादी साडा वो भी साडा होस्ट है क्योंकि अब्दुल हादी वीडियो के लिए आता है इसलिए फिर अब्दुल हादी की हर चीज़ में शेयर करनी आना तो जी भी बस देखो क्या माशाल्लाह अब्दुल हादी के तीन सूट लिया वैसे तो उनके काफ़ी सारे उनके माँ बाप ने सिलाए हुए वैसे लेकिन ईद वास्ते के ना उनके तीन लिया काफ़ी सारे उनके सिले पे भी हुए हैं कमीज अब्दुल हादी की ना छोटी ही निकल माशाल्लाह बड़ी सोहनी है कदों उन्हें पाने ने कपड़े वो इस तो भी ज़्यादा सोहने लगे छोटे छोटे कपड़े माशाल्लाह बड़े सोहने पे कदों पाता है इस तो भी ज्यादा सोहने लगते थ्री पीस निकल छोटी नीचे वाली कमीज ऊपर वाली अब्दुल हादी ने ईद वाले दिन पाना है दुआ करो अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दे माशाल्लाह सेहत से ठीक है ये माशाल्लाह छह महीने का होया तो तुम देखो माशाल्लाह से ठीक है सेहत उनकी ठीक है उनकी नानी उनकी सेहत ठीक रखती है और शदैन के भी कपड़े सिलाई हुए पे आ दर्जी को लैके आने नहीं अंसर के भी होए पे ने मेरे भी दर्जी दर्जन को सिलाई हुए पे ने मेरे भी ये चुप के लियाने के लिए सीते पे ने फिर वो ले आवेंगे ये सिलाई नहीं हुए फिर शेयर करा और जुतियाँ वगैरह भी है अंसर भी अंसर दैन तो लेंगे
ਜੀ ਵੀ ਬਟ ਸਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਸਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ ਬਾਕੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਤ ਅੱਲਾਹ तो जी वीवर जो हूँ मैं बना लगी हाँ दाल माश अज क्योंकि काफ़ी दिन हो गए दाल माश नहीं से पकाई तो मैं क्या क्यों ना अच्छ दाल माश भी पका लिया नाले अपने वीवर भी विखाइए कि किस तरह बनाने हैं तो जी वीवर देखो तो मैं एकदम हूँ नजर आ टमाटर अदरक हरिया मिर्चा वह भी पा दी इन हूँ ना थोड़ा चंगी तरह ना भुन लाँगी भुनने तो बाद फिर इन पावगी मसाले मसाले तुम दसने केड़े केड़े पाने मिर्चा नमक हल्दी वह तो पानी पानी है लेकिन मैं क्या अपने वीवर नाल एक चीज़ आ कि मैं शेयर करना कि मैं अक्सर हांडी के पानी हूँ ठीक है तो तुम तर मैं दिखाई हाँ ऐप से देखो ये है काली है एक ये कलवंजी कलवंजी कहते हैं कि इन्हें 99% इलाज होंगे ने एक मौत तो इलावा हर बीमारी का इलाज इस कलवंजी के एक खानी चाहिए है वैसे तो नहीं तो इनका ना ना ही ये कौड़ी होंगी है तो ना ही ये मिठी होंगी इनका कोई भी नहीं होंगे ना कौड़ी हो बहुत इनके फायदे आ हर बीमारी में बहुत फायदेमंद और मेरी आदत बनी हुई है मैं हांडी इन ज़्यादा नहीं इन्नी को ना मैं हांडी के बच्चे पा ली हूँ क्योंकि वैसे तो ना बच्चे खाते है ना कोई खाता है तो इस तरह हांडी के पा दो तो फिर और सब बना बेहतर आ तो ची भी बस मसाला तो करीबन पुज गया और हूँ इन पानी आ अद्धी चम्मच है काली मिर्च और एक चम्मच पावगी नमक और अद्धी चम्मच पानी लाल मिर्च और हल्दी पानी एक चम्मच और जीरा पा दो पा देना एक चम्मच तकरीबन इन्ना सारे मसाले पा के चंगी तरह भुन लेना मसाले बस दाल देखो तुसी मैं पा दी है तो हूँ पा लाना है पानी हल्का जहा पानी लगा के तो फिर तकरीबन 20 मिनट इन रख देना फिर उस बाद चंगी तरह भुन लेना है लानी मैं पानी और बहुत ही टेस्टी बनती है मेरी तो बहुत ही पसंदीदा दाल दाल है मैं लो जी तकरीबन इन्ना को लाना है पानी ठीक है ज़्यादा नहीं लाना अगर ज़्यादा पानी लावे तो फिर दाल केड़ी है वह गल जाएगी तो फिर यह गली हुई सोहनी नहीं लगती हैगी तो इन्ना को पानी ला दिता है हूँ इन रख देने ढक्कन दे के तो कदों पानी का खुशक हो जाएगा फिर इन भुनना है तो जी भी बस हूँ हांडी हो गई है आटा बदल के रख लिया है देखो तुसी और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम इन भुन लेना चंगी तरह दाल माश में चंगी तरह भुन लेना कदों पुजदा नहीं फिर पानी बिल्कुल ही खुशक हो जाना है और धनिया केड़ा वो हम पा दें अदरक भी काट के छोटी छोटी पा ली दी है लेकिन मैं तो बहुत टेस्टी लगती है लेकिन दूसरे जी नहीं खाते है धनिया सुखा के रखे हुआ सी क्योंकि धनिया अभी मिलया नहीं है क्योंकि तुम पता कि गर्मी है तो गर्मी के धनिया घट ही मिलता है तो इसलिए अभी धनिया सुखा के रखे हुआ वे तो फिर असं चूंकि पा लेते हैं हांडी के और अदरक भी तुम काट के पा सकते तो और हरी मिर्च केड़ी है वह भी तुम साबत भी हरी मिर्च और केड़ी कट के भी हरी मिर्च तुम पा पाओ बहुत टेस्टी लगती है मैं हरी मिर्च पा लूँगी कट के लेकिन अदरक नहीं पानी क्योंकि बच्चे केड़े ने वो नहीं खाते इनकी वजह तो नहीं पानी नहीं तो मैं तो खुद में बहुत ही टेस्टी लगती है हरी मिर्च की हरी मिर्च और अदरक ये दाल माश के बेच तुम पाओगे बहुत ही टेस्टी लगेंगे बहुत ही मज़ेदार लगती है
ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੀ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਉੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੰਨਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਜ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖਾਣੀ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਆ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਿਆਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬਾਲਣਾ ਤੋ ਜੀ ਵੀ ਵਰਗ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਸੋਭਿਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼